गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत में आज बीएड सेकेंड ईयर भौतिक विज्ञान विषय के अंतर्गत में आज हम भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम की, कल हमने जो गुणों के बारे में पढ़ा है उसके बाद में आज हम उनके दोष या सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम यह जानेंगे कि पाठ्य पुस्तक की शिक्षण सामग्री जो बनाई गई है उसके उपयोग पर ज्यादा निर्भर करती है। बच्चा उसको किस हिसाब से लेता है, टीचर उसको किस हिसाब से लेता है, क्योंकि देखिए अपन ने इसकी उपयोगिता के बारे में भी अध्ययन किया है। शिक्षक के लिए इसकी अलग उपयोगिता है, बालक के लिए अलग उपयोगिता है और अभिभावक के लिए अलग उपयोगिता है। तो हरेक व्यक्ति यदि इसको सही समन्वित ढंग से यदि अध्ययन करता है तो पाठ्य पुस्तक एक सहायक सामग्री और एक मुख्य विषय मुख्य सामग्री के रूप में बालक के लिए, शिक्षक के लिए और अभिभावक के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके साथ साथ में ही यदि और यदि उसका सही ढंग से उपयोग नहीं किया जाए तो यह हानिकारक भी हो सकती है तीनों के लिए, किसी एक के लिए भी तीनों के लिए हानिकारक भी हो सकती है। तो भौतिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है एक शिक्षण सामग्री जिसकी उपयोगिता का प्रभाव शिक्षक के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है और इसका उपयोग शिक्षक यदि सही ढंग से करता है तो बालक के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। फिर दूसरा आता है पाठ्य पुस्तक कभी कभी भौतिक विज्ञान के शिक्षक का स्थान ग्रहण नहीं कर पाती है। देखिए कोई भी पाठ्य पुस्तक साधन है, साध्य नहीं, ठीक है ना। तो यह शिक्षक का स्थान नहीं ले सकती, ये केवल अनुदेशन का अनुपूरक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है शिक्षार्थियों के लिए यह सृजन सामग्री या अधिगम की सामग्री के रूप में उपलब्ध रहती है। अब मुझे कोई चीज नहीं आ रही है, मुझे जैसे कि पाठ्य पुस्तक की के गुण नहीं आ रहे, तो मैं क्या करूँगा, बुक में कर लूँगा और उसके गुण देख लूँगा, तो इससे क्या हो जाएगा, मुझे ज्ञान हो जाएगा कि पाठ्य पुस्तक के निम्नांकित गुण होने चाहिए। तो यह अधिगम सामग्री है और इन गुणों में मुझे कोई प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन कौन करेगा, टीचर करेगा। टीचर हम मुझे बताएगा कि भाई इस प्रकार यह कार्य करने से यह कार्य अच्छी प्रकार से हो सकता है। तो नेक्स्ट आता है प्राय शिक्षार्थी ये जब पाठ्य पुस्तक पर आश्रित हो जाता है तो वह क्या करता है, धीरे धीरे क्लास से दूर भागता जाता है। क्या है सर, तो आज ये टॉपिक पढ़ाएंगे अपन, ऐसा करें घर पे पढ़ लेंगे, चलो आज नहीं चलते। यह प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ती जाती है और बच्चों के लिए यह हानिकारक हो सकती है और भौतिक विज्ञान के लिए भी यह हानिकारक है। तो इससे क्या होता है, कक्षा में क्रियाशीलता नहीं रहती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है भौतिक विज्ञान कक्षा में छात्र ये भी अनुपस्थित रहते हैं, आज नहीं आया कल नहीं आया, तो यह पुस्तक उसकी सहायता करती है, सहायता करती है जो कि उसको हानि पहुंचाती है। वह देख के लिख लेगा, रट के लिख लेगा, रट के याद कर लेगा, लेकिन उसके समझ में नहीं आएगा। तो यह भौतिक विज्ञान के लिए यह हानिकारक हो सकती है। फिर नेक्स्ट आता है कभी कभी क्या करते हैं छात्र अभ्यास के लिए प्रश्नों के जो उत्तर पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं उन उत्तरों को रट के याद कर लेते हैं और उस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि मैं तो मुझे तो इस किताब में से सारे प्रश्न के उत्तर आते हैं, भाई कैसे आते हैं। अभी अगस्त हुआ, सितंबर चल रहा है, दो महीने में मैंने पूरी किताब पढ़ ली,
ठीक है ना, 8 महीने क्या करेंगे भाई, जो 10 महीने का काम है तेने को 2 महीने में कर दिया, यानी इस पुस्तक को तेने क्या किया, रखा मार दिया है, इनके प्रश्न उत्तर को तेने याद कर लिया है लेकिन तेरे समझ में कुछ नहीं आया है। तो यह मनोवैज्ञानिक रूप से भी हमारे लिए और भौतिक विज्ञान विषय के लिए हानिकारक है। फिर नेक्स्ट आता है पाठ्य पुस्तक की विषय सामग्री को याद करना, पुस्तक की विषय सामग्री को याद करना जिससे क्या हो, सीखने का एकमात्र उद्देश्य समझते हैं, जिससे धीरे धीरे उस बालक का पतन प्रारंभ हो जाता है। जब सीखने की प्रवृत्ति रखेगा तो उसका विकास होगा, लेकिन वह अपने आप को यह समझेगा कि नहीं मैं तो उससे पढ़ूंगा, मैं होशियार हूँ, और इस प्रकार की जब भावना आ जाती है तो धीरे धीरे उसका पतन हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है अध्यापक की क्या करता है, किताब उठाई, क्लास में गया, उसी के माध्यम से उस बुक के माध्यम से ही पढ़ना शुरू कर देता है, यानी पुस्तक तक ही उसका अध्ययन सीमित हो जाता है। और इसलिए यह अध्ययन यहाँ तक सीमित ना हो, उसके लिए उसे प्रयास करना होगा कि भाई इसके अलावा भी वह एक्स्ट्रा ज्ञान दे, जिससे क्या हो कि बालक का विकास हो सके और उस विषय के प्रति न्याय हो सके। तो इस प्रकार की कार्य उसको करने चाहिए। फिर नेक्स्ट है कभी कभी क्या करते हैं, टीचर आते हैं किताब के, टीचर के पास बच्चे से ही, हाँ भाई छेल सिंह खड़ा हो जाओ, हाँ शुरू से पढ़वा, ठीक है, उसको बिठाया, श्रेणी को खड़ा कर दिया, भीरु को खड़ा कर दिया, निखिल को खड़ा कर दिया, भावना को खड़ा कर दिया, ठीक है। तो अलग अलग बच्चों से वह पाठ पढ़वा कर, चलो आज हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता, अरे भाई समझाया क्या है, बच्चों ने इससे रीडिंग करवा दी और उन्हें काम कर दिया, ये कोई पढ़ाने का तरीका, साइंस पढ़ाने का तरीका नहीं है। तो ये क्या होता है, इस प्रकार की जब स्थिति बनती है तो भौतिक विज्ञान और विज्ञान या अन्य विषय कोई भी विषय उसके लिए यह दुर्भाग्य मानी जाती है। तो आज हमने भौतिक विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक की सीमाओं के बारे में अध्ययन किया। अब इन कमियों को यदि हम दूर कर दें तो पाठ्य पुस्तक बहुत ही प्रभावी बन सकती है। अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक के चयन में कौन कौन से मानदंडों का हम प्रयोग कर सकते हैं, उन मानदंडों के बारे में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।